हेलो गाइस, जुली वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक गाइस। तो आजकल मैं दिल्ली में हूँ, जो कि आप लोगों को मेरे पहले वीडियोस से पता चल गया होगा। और मैं दिल्ली में कुछ दिनों के लिए आई हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और मैं आज जा रही हूँ दिल्ली घूमने। आज मैं जा रही हूँ कुतुब मीनार पहली बार जा रही हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ और उसके बाद हम जाएंगे MT। तो देखेंगे गाइस क्या होता है आज। और दिल्ली में बहुत बहुत गर्मी है, बिना पंखा चलाए हुए एक मिनट भी बैठने से पूरा गीला हो जाता है फेस, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं है ऐसे गर्मी में रहने का। बट ठीक है, हम जाएंगे मेट्रो से और अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे। बाकी मैंने कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता जैसा मेरे फ्रेंड का है, ये मैंने वो पहन लिया क्योंकि मैंने सोचा कि कुतुब मीनार जाएंगे तो थोड़ा वो इंडियन कुछ पहनेंगे तो अच्छा लगेंगे, सोच के मैंने ये पहन लिया है। और मैंने एक इयर रिंग भी ऐसा कुछ, ये भी मेरी फ्रेंड की है, कल सरोजनी से लिया था तो मैंने पहन लिया। बाकी बस गाइस लेट्स गो। दिल्ली की गर्मी ये पाजी में हूँ। नहीं नहीं, डायरेक्ट कुतुब मीनार जाना है। गाइस तो हम पहुंच गए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार रुकिया पुना हमेशा जा शीघ्र दुबला। आते ही हमने पेट पूजा किया और अभी हम आए हैं, शाम हो चुका है। कुतुब मीनार या कुतुब मीनार मान इना जिंगे रिंग में क्या सुनते हम रिंग में खाने वाला। गाइस तो हम कुतुब मीनार घूम रहे हैं और बहुत अच्छा जगह है। और हम यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हैं मेरी फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे वैसे खाने की चीज़ें कुछ भी अलाउड नहीं है, बट हमारे बैग में केक था वो पता नहीं चला। तो मौसम यहाँ पे अच्छा है क्योंकि ग्रीनरी है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बाकी ऐसे कुछ बस वो मॉन्यूमेंट पहाड़ से देखना है, बाकी अंदर से तो कुछ नहीं है शायद। तेने आजा कुतुब मीनार आयोले इन्ना जग मांगी सुनबो दिल्ली आयो दे का कुतुब मीनार तेना जगह खाची खाती खोर इन सामने तेने एकदम गया तो फिल्म गया एक ग्रीनरी संस्था मौसम देमो दुख तेने गाड़ी ठोपाई इसका यहाँ पोत मैंने ठोपाई इसका इंट्रोवर्ट दुख गया कैमरा शायद देने तेज तीन हजार बक्सा MT है छिले MT सब खोला ला खर्जी ज्यादा छिल जाते। बाकी दिल्ली मास्क को रख ले। गाइस तो हम वापस जा रहे हैं कुतुब मीनार से, बट बारिश हो रहा है तो भागना पड़ेगा। छठपा तंग दुख ले गप्पा बंग पंग। गाइस तो अभी हम
आए हैं एमटी में, एमटी में भी मैं पहली बार आई हूँ और बहुत बार सुनाई हूँ मैंने एमटी के बारे में ब्लॉग्स में अपने फ्रेंड्स से। तो देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है तो मुझे कुछ खरीदना है, कुछ फुटवेयर देखेंगे हम। और यहाँ पे हम लाफिंग खाने आए हैं निर्वाणा फेमस, हाँ तो वहाँ पे वैसे मुझे लाफिंग पसंद तो है बट स्पाइसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखेंगे हम ये छप्पा इसका मेरे छोड़े एमटी से लाफिंग मैं फिक्स करवा मैंने कक्षा सुपर आए मीनू खिला दस पहली बार किसी ने इतना कम बोले, मजाक नहीं किया, पूरे लद्दाख में पहली बार बोले। नहीं उससे ज्यादा नहीं दूंगी भैया मैं, नहीं नहीं उससे ज्यादा नहीं दूंगी, सच्ची में इतना कम नहीं होता है। 1300 को देना है तो दो, इतना कम तो नहीं होता है। 1300 और इसको कितना बोला? वो तो फिक्स है, चार दिन वो तो इतने मर्जी पीस ले रही है, होलसेल का भी 250 है वो, उसको 250 रहने दो, इसको 1300 से ज्यादा मैं नहीं दूंगी, सच में नहीं दूंगी। जब ये बनेगा तब पता कितना, 10,000 लगेगा। 1,350 और इसको कितना बोला ये छोटे बच्चे के लिए? 350 का पर मीटर ठीक टू पचा और लड़का लड़की लड़कों को पिंक कौन पहने लड़के के लिए नक्को कलर ले रहे लड़का नहीं है, कितने बच्चे हैं? शादी हो गया, हो गया मेरी बेटी के लिए तो लगता नहीं संतूर मामी जिले समला तने गजा तकसा दिल्ली ने न्याले। इस जगह का नाम क्या है? आईने आईने मार्केट जैसा न्याले का भूटानी सिल्क स्टोर दुगले एक गजा मिंग नंग कोसे कोस तमचे से रस न्याले अमाले छोजोन होला तने खेमो अंगथोप तुंगे जांगोन इका दिल्ली आयोना आईने मार्केट लास के दादा दियाले भूटानी सिल्क स्टोर ला तेने कने रस मुन दिक्चेस खेम आथब दुग मतलब ले असंग ता डोक्सेस मंग को खेम आथब दुग याले तेने गाजे न्यूज पिनले यो अमा ले खंस पिनले यो छोजडन ला यो ngara तो सं ब्राइट खेम वा यो ता दिक्चेस दुगाला ये
गली हजा सिप्ती है लेता फोर फोरते नंग ये लेता ये सब क्या है तो निकला जी क्या क्या तो था हम संग जिसे ना वाई मिला पर नहीं यू ठीक ठीक तो पड़ा ये अच्छी ना इसका ये मारा है तो गाइस जुले तो आज मेरी दिल्ली में फोर्थ डे है और आज मैं जा रही हूँ मेरी कजन से मिलने कजन ब्रदर भी है और मेरे फ्रेंड से लड़कों से मैं लड़कों से अभी तक नहीं मिली हूँ और आज हम जा रहे हैं वहाँ पे यूथ हॉस्टल में जा रही हूँ वो लोग यूथ हॉस्टल में है तो देखेंगे और हमारा शायद कल मूवी का प्लान था तो हमें कल हम सिटी गए थे और वहाँ पे बहुत टाइम लग गया इसीलिए हम नहीं जा पाए तो आज हम जाएंगे मूवी देखने तो बस गाइस अभी सुबह बारिश हो रही थी इसीलिए थोड़ा मौसम अच्छा है नहीं तो दिल्ली में बहुत गर्मी है हमारी झलक किसी की खूबसूरती हर घर में नाम है गाइस तो आज हम आए थे मूवी देखने अपने फ्रेंड्स के साथ तो हमने मूवी देखा जवान मूवी जितना मैंने सोचा था उतना भी बुरा नहीं था ठीक ठाक ही था तो अभी मैं आई हूँ डिकैथलॉन यहाँ पे मुझे कुछ खरीदना है क्योंकि कल परसों मुझे जाना है वापस लद्दाख और मेरी बाकी सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं अपने हॉस्टल में और मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे आए हैं देखते हैं मुझे अगर कुछ मिलता है तो मैं मुझे कुछ खरीदना है पापा के लिए कुछ कोट वगैरह और मेरी छोटी बहन के लिए भी कुछ देखूंगी जी कैथलॉन में आई हूँ हेलो गाइस जिली वेलकम बैक टू माय चैनल तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और मैं आज जा रही हूँ ले अपने घर और मेरा अभी पूरा चेक इन सिक्योरिटी सब कुछ हो चुका है और अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं एक मिनट भी नहीं सोई हूँ अभी तक तो मुझे बहुत बहुत नींद भी आ रही है बट एक्साइटेड भी हूँ घर जाने के लिए बाकी बस लगेज कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ आसानी से सब कुछ हो गया और मैं यहाँ पे टर्मिनल 1D में हूँ शायद ये नया एयरपोर्ट है आई थिंक इसीलिए पूरा खाली खाली है तो गेट नंबर भी अभी तक नहीं आया है और मुझे यहीं पे कहाँ जाना है वो मुझे पता करना होगा बाकी बस मुझे नींद बहुत आ रही है अभी 3:30 बज रहे हैं तो मेरी फ्लाइट है 5:45 और बोर्डिंग टाइम है 5:10 पर तो अभी मेरे पास 3:30 to 4:30 एक घंटे से ज़्यादा है देखेंगे अब थोड़ा सो पाएंगे तो मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए बाकी लेट्स सी आज तो रात पर नहीं सोना है और 7 बजे मैं ले पहुंच जाऊंगी ले तने तक दिल्ली एयरपोर्ट नहीं ले तुने तिरंग ले सचिन ले दिल्ली आगा हफ्ते दुख से नहीं आ रही छुपाऊंगी आपको तने मास्क पहुँच ले खोरपिन दिल्ली मार्केट से खोरते खोरते शक्शिक दुख लोग मैं से आले तने ताजा जेक चौकशी छुट्टी देते फिर आजा
ले तेने बैंगलोर दुगना तेना चंग चौच चौचे मानो अनप्रोडक्टिव नि सनो याली माच रे तेना ना फोन जिक चौन तेने तो संग ले अच्छा ना समय ले तेने ले अच्छे ले तेने छन से बेंगी तंग तंग से मानो याले ता गरी सुम ना फेचिक सरु करी शुंगा थल जी कंगी फ्लाइट होती याले तेने ये समझता ही का गोरा नुकसान बाकी इकाची संग मा चेक इन वगैरह पूरा एकदम सोंग से टाइम मांग पो मांगुर बाकी स्टेन लेगा था इस हे गाइस तो मैं लद्दाख पहुंच गई हूँ ले पहुंच के मुझे एक हफ्ता हो चुका है बट मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया और व्लॉग बनाना तो छोड़ो मैंने एक भी वीडियो एडिट नहीं किया था तो मैं ये वाला वीडियो आज एडिट कर रही थी और मैंने देखा कि इसका एंडिंग नहीं बनाया था तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है अपने गांव वापस आके। सुबह शाम बहुत ठंड है बट दिन में तो उतना ठंड नहीं है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल मुझे व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ थी और मेरी मम्मी ने भी मुझे पहले से वार्न कर दिया है कि मुझे जब तक मेरी छोटी बहन की एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए बस मैं अपने गांव में हूँ और ऐसे ही यहाँ पे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो वेडिंग्स में मैं जा रही हूँ। बाकी बस गाइस अभी शाम हो चुका है और बहुत ठंड है तो दिल्ली में भी मैं उतना व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और मेरे पास दिल्ली में बहुत कम वक्त थी। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही दिल्ली में थी इसीलिए और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी तो मुझसे ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पाया। बाकी जितना हो सका उतना मैंने बनाया थोड़ा बहुत। बाकी दिल्ली में बहुत बहुत इंजॉय किया बहुत अच्छा लगा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रात के 2-3 बजे तक हम गप्पे मार रहे थे बहुत बहुत बातें किया हमने ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी बस गाइस तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं लद्दाख से बहुत बहुत अच्छी व्लॉग्स आप सबके लिए लेके आऊँगी तो वेट करना।